डाउट के लिए प्लीज़ रेल विकी यूट्यूब चैनल पे आप संपर्क करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज हम सब बात करने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। रेल में जब हम यात्रा करते समय किसी भी रिजर्व क्लास में आरएसी में बर्थ पाते हैं तो ऐसे में ये आरएसी क्लियर कैसे होते हैं, टीटी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, इनकी प्रोसेस क्या है आखिर, और इनसे संबंधित कुछ टेक्निकल शब्दों के बारे में भी जानकारी हम लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक शब्द रखता हूँ, नॉट टर्न अप, जिसे टीटी अपने चार्ट में एनटी के रूप में मार्क करते हैं। होता है जब कोई यात्री अपने रिजर्व क्लास में कोई बर्थ का बुकिंग करते हैं और अंत समय तक यात्रा के लिए नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे बर्थ को नॉट टर्न अप के रूप में मार्क किया जाता है। कभी कभी एक पूरे टिकट के सभी यात्री नहीं आ पाते हैं, वहीं कभी कभी एक टिकट के कुछ यात्री आते हैं और कुछ एक यात्री यात्रा करने के लिए नहीं आ पाते हैं, या किसी भी कारण से, व्यक्तिगत कारण, ट्रैफिक के कारण से हो सकता है। तो ऐसे बर्थ का इस्तेमाल रेलवे टीटी जो है आरएसी के लिए करने के लिए करते हैं। वहीं कुछ बर्थ ऐसे हैं जो लास्ट में वैकेंट रह जाते हैं या चार्ट बनने के बाद फाइनल चार्ट के समय, सेकेंड चार्ट के समय भी कैंसिल होते हैं। तो वैसे बर्थ जो कैंसिल होते हैं, जो बर्थ के पैसेंजर नहीं आ पाते हैं और जो इस टाइप के नॉट टर्न बर्थ मिलते हैं, उन सब का इस्तेमाल टीटी आगे वाले छोटे स्टेशनों या अन्य स्टेशनों पे, पुल्ट कोटा में कोई उसी स्टेशन का अगर आरएसी का पैसेंजर आता है या लंबी दूरियों का जो आरएसी का पैसेंजर, उन सबको इन्हीं प्रकार के बर्थों का अलॉटमेंट करते हैं।